स्टंट, तो भाई वो कहानी मैं पूरी बताऊंगा। तो 2024 की दिवाली ऐसी होगी हमने सोचा नहीं था। तो भाई सबसे पहले हम खरीदते हैं महंगे महंगे पटाखे और फाइनली निकल लेते हैं ऑफिस के लिए। बट रस्ते से डलवाते हैं हम स्कूटी में तेल और साइबर सिटी के दर्शन करते हुए हम जाते हैं भाई ऑफिस के अंदर। यहाँ चल रहे थे भाई मस्त मस्त गेम, तो भाई हम गेम वेम खेलते हैं। एंड भाई तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई कौन जीत रहा है। तो भाई फाइनली इन द एंड हमारा मित्र जीतता है। तो अब आता है भाई कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब खेलते हैं हमारे सीनियर्स। तो भाई हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से किसी किसी को सपोर्ट करना था, एंड फाइनली हम चुपचाप जाग जुगाड़ करके अपने सर को जितवा देते हैं। और अब आता है वो पल जिसका भाई हम सबको प्लस इन दोनों नमूनों का बहुत ज़्यादा इंतजार था। तो भाई फाइनली मिलते हैं हमें बहुत सारे गिफ्ट, फिर करते हैं भाई फाइनली हम बहुत सारा डांस। और अब होता है भाई एक्टिंग कंपटीशन, जिसके अंदर अपना मित्र दूसरे मित्र को करता है चुम्मी और भाई टास्क को जीत जाता है। खाना पीना खाने के बाद भाई हम सोचते हैं कि भाई अब क्यों ना पटाखे फोड़े जाएं। बट उससे पहले एक नजारा और दिखाता हूं तुम्हें, इसके अंदर हमारा मित्र कुछ कुछ करता है। और इस दृश्य को देखने के बाद तुम्हें ये लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई हम जाते हैं ऊपर पटाखे पटाखे फोड़ने के लिए। भाई दिल्ली में पटाखे बैन है, तो भाई इसलिए हम पटाखे फोड़ ही नहीं पाए भाई। फुलझड़ी फुलझड़ी फोड़ ली। आंटी पार्टी और पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हो जाता है भाई पुलिस का कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर हमारा मित्र और हमारा भाई दोनों पुशअप उसे मार रहे होते हैं। पुशअप से बात ना बनने के बाद भी भाई हमारे भाई साहब पकड़ लेते हैं एक और मित्र को, और मोदी जी के सफाई अभियान को ध्यान में रखते हुए भाई हमारा मित्र पूरे फर्श को साफ करता है। एंड भाई एंड में इनकी हालत हो जाती है बिल्कुल खराब, क्योंकि इनका सिस्टम हो चुका है पूरा का पूरा हैंग। और अब आ जाती है भाई मुझे मंजिलिका की याद, क्योंकि भाई इस दृश्य को देखने के बाद तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। और दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद भाई हम जाते हैं दोस्त के फ्लैट पे, क्योंकि भाई रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और घर वालों ने बोल दिया था भाई रुक जाओ वहीं पे ही। तो अपन रुकते हैं फ्लैट पे एंड फिर देखते हैं हम अपने गिफ्ट्स पे हमें क्या गिफ्ट मिले हैं। तो भाई हमें मिलता है एक टिफिन बॉक्स, जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरा मिलता है भाई ये बॉक्स जिसके अंदर पूजा का सामान होता है बहुत प्रीमियम। सो सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली का नेक्स्ट डे भाई होता है मेरा एक्सीडेंट, तो भाई वो कहानी मैं पूरी बताऊंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट, लाइक सब्सक्राइब।